Hello students, today we will do explanation of chapter 2, that is challenges of life for class 5th. In this chapter we will study about why do people shift from one place to another, एक जगह से दूसरी जगह लोग क्यों शिफ्ट करते हैं, what is mass shifting, बहुत अधिक मात्रा में लोग क्यों शिफ्ट करते हैं, how do people with physical challenges manage their day to day work, जो लोग physical challenges means कुछ किसी तरह से हैंडीकैप्ड होते हैं तो वो अपना डे टू डे वर्क किस तरह से करते हैं, हाउ हैव सम पीपल सक्सेसफुली ओवरकम देयर चैलेंजेस एंड रीच देयर ग्रेट हाइट्स इवन विद आर्टिफिशियल लिम्स एंड अदर थिंग्स लाइक यूजिंग बुक्स रिटन ऑन ब्रेल, किस तरह से लोग जो फिजिकल चैलेंज पर्सन होते हैं वो किस तरह से अपने डिसेबिलिटीज़ पर विजय प्राप्त करते हैं और किस तरह से आर्टिफिशियल हाथ पैरों की मदद से और ब्रेल लिपि के द्वारा किस तरह से स्टडी करते हैं। देन बच्चों, व्हाई डू पीपल शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, लोग एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर क्यों मूव करते हैं। अनिमा हैज़ रिसेंटली ज्वाइन रोहित स्कूल, अनिमा ने अभी रोहित का स्कूल ज्वाइन किया है। हर फादर हैड बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली, उसके पापा का ट्रांसफ़र कलकत्ते से दिल्ली हुआ है। सो द फैमिली हैड टू मूव टू दिल्ली, फैमिली को दिल्ली मूव करना पड़ा। मनोहर लॉस्ट हिज एंटायर क्रॉप ड्यू टू ड्रॉट इन ओडिशा, मनोहर को उड़ीसा में सूखा आने की वजह से पूरी फसल बर्बाद हो गई। ही मूव टू बॉम्बे इन सर्च ऑफ जॉब, लेटर ही सेटल्ड देयर, वो बॉम्बे भोजन जॉब की तलाश में आया, वहाँ पर वो सेटल हो गया। गगनदीप बिकेम एन इंजीनियर एंड गॉट ए वेरी गुड जॉब इन अमेरिका, गगनदीप इंजीनियर है और उसको अमेरिका में बहुत अच्छा जॉब मिला। आफ्टरवर्ड्स ही टुक हिज एंटायर फैमिली टू अमेरिका एंड सेटल देयर, उसके बाद वो अपनी पूरी फैमिली को अमेरिका ले गया और वहाँ सेटल हो गया। डॉक्टर जेनी केम टू इंडिया फ्रॉम जापान टू स्टडी डेंटल सर्जरी, जो डॉक्टर जेनी जापान से डेंटल सर्जरी के लिए इंडिया आए। ही ओपन्ड हिज क्लिनिक एंड गॉट मैरिड टू द इंडियन गर्ल, उन्होंने इंडिया में एक अपना क्लिनिक खोला और इंडियन लड़की से शादी कर ली। ही नेवर वेंट बैक, वो कभी वापस नहीं गए। पीपल शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ड्यू टू वेरियस रीजन्स, सम ऑफ रीजन्स आर, लोग बहुत सारे रीजन कारणों के कारण एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उनमें से कुछ कारण है फॉर स्टडिंग इन डिफरेंट स्टेट और ए कंट्री, स्टडी करने के लिए डिफरेंट स्टेट में और दूसरी कंट्री में, इन सर्च ऑफ जॉब भोजन की जॉब की तलाश में और ट्रांसफ़र फ्रॉम ऑफिस, ऑफिस से ट्रांसफ़र होने के कारण, मैरिज गर्ल्स गो टू लिव देयर इन लॉज हाउस, शादी के बाद लड़कियां अपने इन लॉज के घर चली जाती हैं। नेक्स्ट, माइग्रेट टू अनदर कंट्री, दूसरे देशों में लोग चले जाते हैं बेटर फैसिलिटीज़ के कारण। और नेचुरल डिज़ास्टर, कभी कभी प्राकृतिक आपदाएँ आ जाती हैं, उससे भी लोगों को मूव करना पड़ता है। डिविज़न ऑफ फैमिली, फैमिली में अलगाव हो जाते हैं, उसकी वजह से भी मूव करते हैं लोग। नेक्स्ट आते हैं मास शिफ्टिंग, ड्यूरिंग पार्टीशन ऑफ आर कंट्री इन 1947 देर वॉज ए मास स्केल माइग्रेशन अक्रॉस द बॉर्डर्स ऑफ द टू कंट्रीज़, इंडिया एंड पाकिस्तान। बच्चों, 1947 में जब हमारा पार्टीशन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का, तो बहुत अधिक मात्रा में लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट किए थे, इंडिया से पाकिस्तान गए थे और पाकिस्तान से इंडिया आए थे। मैनी पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स इन द कम्युनल वायलेंस, बहुत सारे लोगों ने हिंसा के दौरान, सामूहिक हिंसा के दौरान अपना जीवन खो दिया। दोज हु रीच द अदर साइड सेफली हैड टू लिव इन कैंप्स टिल दे कुड अरेंज ए न्यू होम फॉर देमसेल्व्स, और जो लोग सफलतापूर्वक पहुंच गए, सेफली पहुंच गए, उन वो लोग कैंप्स में रहे थे जब तक कि उनके लिए नए घरों का इंतज़ाम नहीं हुआ। दीज पीपल हैड टू स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम द स्क्रैच, उन्होंने अपना जीवन शुरुआत से शुरू किया। विद देयर हार्ड वर्क एंड स्ट्रॉन्ग
डिटर्मिनेशन मोस्ट ऑफ देम वर सक्सेसफुली वंस अगेन, और कठिन परिश्रम के कारण और उनकी मजबूत दृढ़ता दृढ़ निश्चय के कारण उन्होंने एक बार फिर सफलता प्राप्त की. समटाइम मैनी पीपल हैव टू बी शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ड्यू टू अ नेचुरल डिजास्टर. कभी कभी लोग एक जगह से दूसरी जगह प्राकृतिक आपदाओं के कारण शिफ्ट होते हैं. लाख्स ऑफ पीपल फ्रॉम गंजम डिस्ट्रिक्ट इन ओडिशा हैड टू मूव डिस्प्लेस टू सेफर प्लेस आफ्टर फ्लड डिस्ट्रॉयड देयर प्रॉपर्टी एंड कैटल. लाखों लोग गंजम डिस्ट्रिक्ट से उड़ीसा के गंजम डिस्ट्रिक्ट से सेफ प्लेस पर गए जब वहाँ पर बाढ़ के कारण उनकी फसल और पशुओं को का विनाश हो गया तो वो सेफ प्लेस पर गए. दीज फ्लड्स अकर ड्यू टू कंटिन्यूस रेनफॉल रेन्स आफ्टर द साइक्लोन फैलिन. फैलिन साइक्लोन के बाद लगातार बारिश आने के कारण ये बाढ़ वहाँ पर आई. समटाइम पीपल हैव टू बी डिस्प्लेस्ड ड्यू टू गवर्नमेंट्स प्लान्स टू यूज देयर स्पेस फॉर सम अदर इम्पॉर्टेंट वर्क लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम लेइंग ऑफ रेलवे ट्रैक्स मेकिंग न्यू रोड्स एट्सेट्रा. कभी कभी सरकार के द्वारा सरकारी प्लानों के कारण सरकारी योजनाओं के कारण लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है. जब सरकारी योजनाएं लगती हैं कुछ इम्पोर्टेंट कार्य के लिए जैसे बांध बनाना रेलवे ट्रैक का बिछाना और नई सड़कें बिछाना बनाना उनके कारण भी लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है. द सरदार सरोवर डैम रिवर ओवर रिवर नर्मदा इज मेंट टू इरीगेट मैनी एरियाज इन गुजरात एंड राजस्थान. राजस्थान और गुजरात में सिंचाई के लिए नर्मदा नदी पर एक सरदार सरोवर डैम बनाया गया. इट इज़ ऑल्सो मैंट टू प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर टू द ड्राई एरियाज इन गुजरात. इसके द्वारा गुजरात के सूखे इलाकों में पानी पीने का पानी भी प्रोवाइड करना था. बट दिस डैम इज़ डिस्प्लेसिंग लाख्स ऑफ पीपल लिविंग इन नियर बाई एरियाज एंड अफेक्टिंग देयर लाइवलीहुड एज वेल. लेकिन इस डैम के कारण लाखों लोगों को अपने नियर बाई एरिया से शिफ्ट होना पड़ा और उनकी रोजी रोटी भी इसके द्वारा प्रभावित हुई. चैलेंजेस ऑफ शिफ्टिंग टू ए न्यू प्लेस. नए स्थान पर शिफ्ट करने के लिए क्या क्या चैलेंजेस आते हैं. शिफ्टिंग टू ए न्यू प्लेस इज़ नॉट वेरी इजी. बहुत सरल नहीं है बच्चों. एक जगह से दूसरी जगह जाना एक कोई सरल कार्य नहीं है. पीपल हैव टू सर्च फॉर न्यू जॉब्स और बिजनेस. लोगों को पहले वहाँ पर बिजनेस या नए जॉब को तलाश करना पड़ता है. दे हैव टू अरेंज फॉर न्यू हाउस एंड ऑल द असेंशियल थिंग्स. वहाँ पर जाके उन्हें घर तलाशना पड़ता है, घर का इंतज़ाम करना पड़ता है और जो ज़रूरी चीज़ें हैं घर की उनका भी इंतज़ाम करना पड़ता है. दे टेक टाइम टू नो द एरिया ऑफ एंड द पीपल. उनको लोगों के बारे में जानने में काफ़ी समय लगता है और उस एरिया को जानने में काफ़ी समय लगता है. दे हैव टू एडजस्ट द डिफरेंसेस इन लैंग्वेज फूड क्लाइमेट एंड अदर थिंग्स. बच्चों फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि लोग डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट तरह के भोजन किए जाते हैं. तो जब हम लोग माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तो हमें बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं जैसे लैंग्वेज का डिफरेंस. हम उत्तर प्रदेश में अगर रहते हैं तो हिंदी बोलते हैं, हरियाणा में हरियाणवी बोलते हैं, महाराष्ट्र में चले जाएँ तो मराठी लैंग्वेज होती है, कर्नाटका में कन्नड़ा लैंग्वेज होती है. तो हमें लैंग्वेज डिफरेंस इन लैंग्वेज यानी लैंग्वेज का सामना करना पड़ता है, दूसरी लैंग्वेज ही देख सीखना पड़ता है. वहाँ के भोजन के बारे में हमें एडजस्ट करना पड़ता है. मौसम की वजह से भी हमें एडजस्ट करना पड़ता है. कहीं पर ठंडा होता है, कहीं मॉडरेट टेम्परेचर होता है, कहीं ड्राई टेम्परेचर होता है. और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमें जिनके साथ हमें एडजस्ट करना पड़ता है. चिल्ड्रन गोइंग टू न्यू स्कूल हैव टू एडजस्ट टू न्यू टीचर न्यू बुक्स एंड न्यू क्लासमेट. बच्चे जब नए स्कूल में जाते हैं तो उनको नए टीचर नई बुक्स और नए
क्लाइमेट के साथ भी एडजस्ट करना पड़ता है। चैलेंजेस ड्यू टू फिज़िकल डिसेबिलिटीज़, कई बार लोग फिज़िकल डिसेबल होते हैं, यानी किसी भी उनके बॉडी पार्ट्स में कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसके कारण भी उन्हें चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। समटाइम ड्यू टू एन एक्सीडेंट और इनलेस वी लॉस एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर बॉडी, कभी कभी एक्सीडेंट के कारण या बीमारी के कारण हम अपने बॉडी पार्ट्स को खो देते हैं। सम पीपल टेक इट वेरी सीरियसली एंड नेवर गेट ओवर इट, कुछ लोग बहुत सीरियसली लेते हैं और इस पर हमेशा इससे हार जाते हैं। बट सम पीपल एक्सेप्ट द चैलेंज ब्रेवली एंड शाइन इन वर्ल्ड, लेकिन कुछ लोग इस चैलेंज को बहादुरता से स्वीकार करते हैं और विश्व में अपनी पहचान बनाते हैं, चमक कायम करते हैं। हेयर आर फ्यू एग्जाम्पल ऑफ सच पीपल, यहाँ पर कुछ लोगों के एग्जाम्पल हैं। फर्स्ट सुधा चंद्रन, बच्चों सुधा चंद्रन वॉज बॉर्न इन चेन्नई साउथ इंडिया, साउथ इंडिया के चेन्नई में सुधा चंद्रन का जन्म हुआ। शी डिड एम ए इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम मीठीबाई कॉलेज मुंबई, उन्होंने मीठीबाई कॉलेज मुंबई से एमए किया इकोनॉमिक्स में। शी गॉट इंजर्ड इन एन एक्सीडेंट एंड द डॉक्टर्स हैड टू एम्प्यूटेट हर लेग, उनका एक्सीडेंट में उनका पैर घायल हो गया और डॉक्टर को उनका एक पैर काटना पड़ा। इट वॉज द टफेस्ट टाइम ऑफ हर लाइफ, ये उनके जीवन का सबसे कठिन समय था। बट शी ब्रेवली ओवरकम हर डिसेबिलिटी विद द हेल्प ऑफ ए प्रोस्थेटिक जयपुर फुट, बच्चों उन्होंने इसका बहादुरी से सामना किया अपनी इस डिसेबिलिटी का और उन्होंने प्रोस्थेटिक जयपुर फुट, जयपुर में बच्चों पैर बनाए जाते हैं और हाथ बनाए जाते हैं, और उन हाथ और पैरों की मदद से यानी उस जयपुर फुट की वजह से उन्होंने अपनी इस डिसेबिलिटी पर विजय प्राप्त की। नाउ शी इज़ वेल नोन भरतनाट्यम डांसर एंड एन एक्ट्रेस इन टेलीविज़न एंड फिल्म, इस समय वो एक बहुत फेमस भरतनाट्यम की डांसर है और टीवी और फिल्म की एक अदाकारा है, एक्ट्रेस है। शी हैज़ बीन ऑनर्ड विद वेरियस अवार्ड्स, उनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले। शी इज़ एन इंस्पिरेशन टू मैनी सच पीपल, वो बहुत सारे लोगों के इंस्पिरेशन का स्रोत भी हैं। सेकेंड इज़ अरुणिमा सिन्हा, अरुणिमा सिन्हा इज ए फॉर्मर नेशनल लेवल वॉलीबॉल प्लेयर, लॉस्ट हर लेग व्हेन ए ग्रुप ऑफ रॉबर्स थ्रू हर आउट ऑफ ए मूविंग ट्रेन, वो एक बहुत बड़ी नेशनल लेवल की वॉलीबॉल की प्लेयर थी और उन्होंने अपना पैर खो दिया। कब खोया? जब वो एक ट्रेन में जा रही थी तो चलती हुई ट्रेन से डकैतों ने उनको ट्रेन से फेंक दिया, तब उनका एक पैर कट गया। बट शी नेवर लॉस्ट हर करेज, शी गॉट फिटेड विद प्रोस्थेटिक लेग, और उन्होंने कभी भी धैर्य नहीं खोया, हमेशा साहस से कार्य लिया और उन्होंने प्रोस्थेटिक लेग फिट करा लिया। शी वर्क हार्ड टू लर्न द स्किल ऑफ क्लाइंबिंग माउंटेंस, उन्होंने बहुत कठिन परिश्रम किया और पहाड़ों पर चढ़ाई करने की निपुणता हासिल की। विद हर हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन शी बिकेम द फर्स्ट लेडी विद प्रोस्थेटिक लेग टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट इन मई 2013 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली वो प्रोस्थेटिक लेग के साथ प्रथम महिला बनी। नेक्स्ट थर्ड इज हेलन केलर, हेलन एडम्स केलर वॉज ए डीफ एंड ब्लाइंड पर्सन, हेलन केलर एक ब्लाइंड और डेफ, जिनको डेफ कहते हैं बच्चों, जिनको सुनाई नहीं देता, और ब्लाइंड जिनकी आँखों में प्रॉब्लम होती हैं, जिनको दिखाई नहीं देता, तो ब्लाइंड और डेफ पर्सन थी। शी वॉज द फर्स्ट डेफ एंड ब्लाइंड पर्सन टू अर्न ए बैचलर्स डिग्री इन आर्ट्स, और वो पहली बैचलर बीए करने वाली महिला थी जो ब्लाइंड थी, यानी पहली महिला ब्लाइंड महिला थी जिन्होंने
बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी बीए किया। शी वॉज एन ऑथर एंड लेक्चरर, वो एक लेखक और लेक्चरर थी। शी शोड एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज एंड डिटर्मिनेशन इन अचीविंग दिस ऑनर, उन्होंने बहुत इस ऑनर को प्राप्त करने के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी साहस और दृढ़ निश्चय से का परिचय दिया। अ लॉट ऑफ क्रेडिट फॉर हर सक्सेस गोज टू हर टीचर एनी सुलिवन, हु वर्कड रियली हार्ड टू टीच एंड नर्चर हर। इसका बहुत बड़ा उनकी सफलता के पीछे एक बहुत बड़ा क्रेडिट जो है, उनकी सफलता का श्रेय उनकी टीचर एनी सुलिवन, जो कि वास्तव में उन्हें बहुत अच्छी तरह से टीच करती थी, उनको भी जाता है। हेलन मास्टर्स सेवरल मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग टच लिप रीडिंग, ब्रेल स्पीच, टाइपिंग ऑन फिंगर स्पेलिंग। हेलन को बहुत सारे कम्युनिकेशन मींस एक दूसरे किसी से संपर्क करने के बहुत सारे तरीके वो जानती थी, जिसमें टच लिप रीडिंग यानी होठों को छूकर वो समझ जाती थी कि सामने वाला बंदा क्या बोल रहा है। ब्रेल, बच्चों ब्रेल इज 6-डॉट सेल सिस्टम है, लुइस ब्रेल ने इसको डेवलप किया था। ब्रेल के द्वारा, स्पीच के द्वारा और टाइपिंग और फिंगर से स्पेलिंग बनाकर वो बहुत सारे मेथड्स सीख जानती थी। सुलिवान्स एंटायर स्टोरी हैज़ बीन शोन इन फिल्म ऑफ द मिरेकल वर्कर्स, एंड एक मिरेकल वर्कर्स मूवी आई थी, इंग्लिश मूवी थी, जिसमें सुलिवान का पूरी स्टोरी दिखाई गई है। द इंडियन फिल्म ब्लैक इज ऑल्सो बेस्ड ऑन दिस स्टोरी। बच्चों एक रानी मुखर्जी और अमिताभ बच्चन की मूवी आई थी ब्लैक, उसमें भी वो भी इसी स्टोरी पर बेस्ड है। नेक्स्ट आते हैं स्टीफन हॉकिंग। स्टीफन हॉकिंग इज़ ए वेल नोन फिजिसिस्ट। स्टीफन हॉकिंग बहुत बड़े भौतिक वैज्ञानिक थे। He shot into fame in spite of severe paralysis. उन्होंने बहुत ज़्यादा paralysis, उनको यानी लकवा, paralysis means होता है लकवा, जिसमें हमारे बॉडी पार्ट्स ख़राब हो जाते हैं, काम करना बंद करते हैं, तो उन्होंने ये अपनी प्रसिद्धि बहुत अधिक paralysis के बावजूद प्राप्त की। He suffered a serious head injury at the age of 21 and got paralyzed after that. उनको एक हेड इंजरी हुई थी जब वो 21 वर्ष के थे, तब उनको मस्तिष्क में चोट लगी थी और उसके बाद वो पैरालाइज्ड हो गए थे, उनको लकवा मार गया था। ही रोट द बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। दिस बुक मेड हिम वेल नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इस बुक के कारण वो पूरे विश्व में जाने लगे, सब लोग उनको जानने लगे। इन 2009 ही वॉज अवॉर्डेड द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, और 2009 में उनको प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से नवाजा गया। स्टीफन हॉकिंग इज़ ए रोल मॉडल फॉर ऑल यंग साइंटिस्ट। स्टीफन हॉकिंग सभी वैज्ञानिकों के लिए रोल मॉडल थे। तो बच्चों ये था इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, आपको समझ आ